हेलो एवरीवन दिस इज इंद्र विक्रम वेलकम टू माइग्रेंट ब्रेन्स आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का यानी ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट कब एक्सप्लोर होना शुरू हुआ और किसने उसे एक्सप्लोर किया किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में जो एबोरिजिनल्स थे यानी जो वहाँ के नेटिव्स थे जो पहले से रहने वाले थे हजारों साल पहले से रह रहे थे उनको कैसे ऑस्ट्रेलियंस ने धीरे धीरे करके डिस्प्लेस किया ठीक तो है तो ये पूरी कहानी ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की, की हम समझेंगे आज की वीडियो में जिस तरह से अमेरिका के बारे में आपने पिछले वीडियोस में पढ़ा तो अमेरिका में आपने क्या पढ़ा कि बेसिकली नॉर्थ अमेरिका का जो एरिया था इट वाज इन्ेबिटेड बाय द ट्राइबल पीपल्स जो बहुत हज़ार साल पहले वहां पर आए थे कहां से आए थे एशिया से आए थे ऐसा कहा गया है हिस्टोरियंस के द्वारा बैरेंजिया के थ्रू आए थे ठीक है क्योंकि उस समय जियोलॉजिकल कंडीशंस अलग थी और उन जियोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से अभी वो एरिया जो है वो इतना आ, आ, पानी वाला नहीं था ठीक है मतलब कह दो कि समुंदर अभी जो है वो इतना ऊपर तक नहीं था और आपका ये जो बेरिंग स्ट्रेट वाला इलाका है वो लैंड मास से जुड़ा हुआ था तो उसके थ्रू वो ऐसा कहा जाता है एशिया से आए थे वैसे ही कहानी हमारी कुछ ऑस्ट्रेलिया की है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं ये लोग भी कुछ इसी तरीके से आएंगे तो थोड़ा सा हम पहले देखेंगे कि ऑस्ट्रेलियंस बेसिकली यानी जब मैं ऑस्ट्रेलियन अभी कह रहा हूँ इसका मतलब है कि ये वो अब हैं जो यहाँ पर हजारों साल पहले आके बसे थे हम आज के यूरोपियन ऑस्ट्रेलियन की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब जिनको आप देखते हैं दे आर बेसिकली द ब्रिटिश पीपल और यू कैन से दे आर बेसिकली द यूरोपियन पीपल्स ठीक है तो ये आप उस समय का अपने ऑस्ट्रेलिया का एरिया देखिए उस समय के आपके ऑस्ट्रेलिया का मैप देखिए इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि उस समय की जोग्राफिकल कंडीशन कैसी कैसी थी और आपका जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है और आपका जो ओशनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से है ठीक है तो ये जो एक्स्ट्रा एरिया आप देख रहे हैं ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया मतलब ऑस्ट्रेलिया जो आज दिखता है उसकी तुलना में पहले वो कुछ और दिखता था क्लियर है और लैंड पोर्शन के थ्रू ये जो है वो जुड़ा हुआ है क्लियर है चलो सो एज इन ह्यूमन हैबिटेशन इन ऑस्ट्रेलिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री यानी जिस तरीके से अमेरिका में आपने बातें करी कि वहाँ रहने वाले जो रेड इंडियंस जिनकी आप बात कर रहे थे या जो ट्राइबल्स थे हजारों साल पहले आके वहाँ पे सेटल हुए उसी तरीके से आपके ऑस्ट्रेलिया <coughs> में भी हजारों साल पहले बहुत सारे लोग आकर क्या होंगे सेटल होंगे ठीक है चलो और इनके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है अबॉरिजिन ठीक है अबॉरिजिन मीन्स एक सामान्य नाम जो अलग अलग तरीके के ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है अब ऑस्ट्रेलिया में जितने भी लोग यहां पे रहते थे वो अलग अलग ट्राइब को बिलोंग करते थे दे ऑल ट्राइबल्स वो सारे आदिवासी या ट्राइबल्स ही हैं बट इट मीन दैट दे बिलोंग्स टू द सेम क्लान ठीक है अलग अलग क्लान को बिलोंग करते थे इसीलिए यहां पर एबोरिजिन शब्द इस्तेमाल किया गया है दिस एबोरिजिन इज जनरल नेम ठीक है जो अलग अलग समाज रहते थे अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे उनके लिए यहां पर एक कॉमन नाम दिया गया है एंड दैट इज अवॉरिजन ठीक है तो लगभग चालीस हजार साल पहले या इससे भी पहले पॉसिबली क्योंकि यहां पर हिस्टोरियंस में थोड़ा सा अलग अलग ओपिनियंस हैं तो ऐसा माना गया कि अप्रॉक्स फोर्टी थाउजेंड ईयर्स बैक और अराउंड दैट और इवन अर्लियर देन दैट अर्लियर देन द फोर्टी थाउजेंड ईयर्स चालीस हजार साल पहले के आसपास में यहाँ पर ये जो अबॉरिजिन है वो इस एरिया में इस कॉन्टिनेंट में आना शुरू होंगे क्लियर है और इनका माइग्रेशन कहाँ से हुआ दे केम फ्रॉम द न्यू गिना क्लियर है विच वॉज कनेक्टेड टू ऑस्ट्रेलिया बाय लैंड ब्रिज जिस तरीके से हमने वहां पर देखा था बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू एक लैंड मार्क्स क्रिएट था और उसका नाम आपने दिया था बेरिंजिया दिस बेरिंजिया वॉज बेसिकली कनेक्टिंग टू द बेरिंग स्ट्रेट वैसे ही यहां पर एक लैंड ब्रिज क्रिएट हो रहा है ठीक है ये लैंड ब्रिज न्यू गिना को ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट कर रहा था क्लियर है और ऐसा माना गया कि ये जो एबॉरिजिन जिनको यूरोपियंस कह के बुला रहे हैं एबिनिजिन शब्द जो है वो यूरोपियंस दे रहे हैं इनके लिए बेसिकली क्लियर है तो ये इसी न्यू गिना के एरिया से धीरे धीरे माइग्रेट होकर ऑस्ट्रेलिया आए और फिर ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग एरियाज में ये जाके बस गए क्लियर है बाद में जब कैप्टन कुक इनकी खोज करेगा तो आप देखेंगे कि दिलचस्प कहानी है है ना कैप्टन कुक को जब सी अभी हम बात करेंगे आज की वीडियो में कि कैप्टन कुक जो है वो बकायदा कमीशनड किया गया कि भाई जाओ और साउथ सी को एक्सप्लोर करो और जब वो साउथ सी को एक्सप्लोर करने आया तो वहां पर आएगा वो ठीक है और फिर इनके साथ में उसके कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे और यहीं से कहानी शुरू हो गई ऑस्ट्रेलिया के कॉलोनाइजेशन की या ऑस्ट्रेलिया के उपनिवेश बनने की कॉलोनी का मतलब है कि ऐसा क्षेत्र जिसके संसाधनों को दूसरा कोई जो है वो एक्सप्लॉयट करने वाला है रिसोर्सेस को कोई और एक्सप्लॉइट करने वाला है अपने बेनिफिट के लिए और उनके खुद के बेनिफिट में कोई चीज नहीं आने वाली है क्लियर है तो ये बातें तो हमने पहले भी की हैं चलो तो ये हो गया आपका न्यू गिना का इलाका क्लियर है यहां पर आप देखेंगे ठीक है तो ये बेसिकली वो इलाका है जो कनेक्ट होता है तो ऐसा माना जाता है कि इसी से वो बेसिकली आए थे यहां पर क्लियर है ये टॉरस स्ट्रेट है क्लियर है <coughs> चलिए तो टॉरस स्ट्रेट और ये छोटे छोटे जो आइलैंड हैं इन पर भी बहुत सारी उस समय जो प्रजातियां हैं वो रहती है साइबाई आइलैंड बोईगू आइलैंड और इनके जो नाम है ना इनके नाम बेसिकली उन ट्राइबल के नाम पर ही है जैसे आप देख रहे हो जो साइबाई आइलैंड है दुआ आइलैंड है बोईगू आइलैंड है ठीक है मोबुआक आइलैंड है याम आइलैंड है मोआ आइलैंड है फ्टर द ट्राइबल्स ये वहां पर रहने वाले जो ट्राइबल्स हैं उन्हीं के नाम पर रखा गया है बेसिकली क्लियर है तो इस पूरे एरिया में बहुत सारे छोटे छोटे आपके ट्राइबल एरियाज रहते हैं और इन सारे ट्राइबल्स के लिए बेसिकली नाम दिया जो वो नाम दिया क्या आपका अबोरिजिन अबोरिजिन सिंपली मीन्स द पीपल हु आर लिविंग इन दैट एरिया इन दिस टेरिटरी सिंस टाइम मेमोरियल ज्ञात नहीं है कि कब से रह रहे हैं चालीस हजार साल का तो टाइम एक दे रहे हैं कि ठीक है चालीस हजार के आसपास ये लोग आए होंगे पॉपुआ न्यू नीग, गिना का एरिया जो है उससे माइग्रेट होकर यहां पर आए होंगे अब न्यू गिना में और उसके आसपास के आइलैंड एरिया में भी रह रहे होंगे वो वहां पे कब माइग्रेट हुए तो अलग अलग टाइम हैं इसके लिए चलिए तो फिलहाल हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया पे आ जाते हैं लेट एटीन सेंचुरी के आसपास ऐसा माना गया कि यहाँ पर लगभग थ्री टू 750 नेटिव कम्युनिटीज ध्यान रखिएगा क्लियर है ईच थ इट्स ओन लैंग्वेज आप देख रहे हैं साढ़े तीन सौ से साढ़े सात ऐसा अब देखो यहां पर भी आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल रहा है ठीक है क्यों एग्जैक्ट डेटा इसलिए भी नहीं मिलेगा क्योंकि अब ये ट्राइबल लोग हैं और जब कुक आएगा जेम्स कुक आएगा और जेम्स कुक इस एरिया की खोज करेगा इस ऑस्ट्रेलिया की खोज करेगा और ऑस्ट्रेलिया को एक कॉलोनी की तरह कमीशन करेगा ऑस्ट्रेलिया को एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेगा ठीक है तो उनको खुद क्लियर नहीं है ना वो तो बाहर के लोग हैं आउटसाइडर्स हैं तो उनको यहाँ के कल्चर के बारे में क्या पता तो ये एक आइडिया दिया गया कि लेट 18, सेंचुरी 18 के आसपास 1768 के आसपास आ रहा है कैप्टन कुक और 1768 के आसपास वो ऑस्ट्रेलिया को कमीशन कर रहा है उसको फर्स्ट वॉयज में भेजा ही गया था थर्ड वॉयज में तो निपट गया ठीक है मतलब यहाँ के ही आपके जो ट्राइबल्स हैं इन ट्राइबल्स हवाई के एरिया के आसपास आया और वो वहां के लोकल ट्राइबल्स के साथ में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान उसकी डेथ हो गई चलो तो अप्रोक्स 350 हंड्रेड फिफ्टी टू सेवन हंड्रेड फिफ्टी नेटिव देयर इन ऑस्ट्रेलिया सो इट इज कंसिडर्ड ऐसा माना जाता है जैसे लगभग साढ़े तीन सौ से साढ़े सात सौ के आसपास छोटी छोटी कम्युनिटीज ह्यूज नंबर ये कम्युनिटीज का मतलब है दे ऑल हैविंग द डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस उनकी खुद की लैंग्वेज थी विथ ओन लैंग्वेजेस इवन today 200 टू हंड्रेड ऑफ दीज spoken आर स्पोकन अभी भी यहाँ पर इतनी वेरिएशन है देखो कि इस छोटे से आपके कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया को हम अलग से एरिया ही मान लेते हैं अलग हमने ओशियाना नाम ही दे दिया है उसको अभी भी वहाँ पे आज के समय में भी अभी वहाँ पे 200 के आसपास जो ट्राइबल एरियाज हैं खासकर इन आइलैंड एरियाज में जो ट्राइब्स हैं ये 200 हंड्रेड डिस्टिंक डिस्टिंक को इस्तेमाल करते हैं तो उस समय तो ये और भी रिच रहा होगा 750 नेटिव कम्युनिटीज रहती थी और 750 नेटिव कम्युनिटीज जो है वो अलग अलग लैंग्वेज को इस्तेमाल करती थी इनके कल्चर बहुत कुछ सिमिलर भी थे लेकिन फिर भी इन, कल, इनके कल्चर्स में कम्युनिटी वाइज कुछ ना कुछ डिस्टिंगशन थे क्लियर है चलो देर इज अनदर लार्जर ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पीपल लिविंग इन द नॉर्थ कॉल द टोरस स्ट्रेट ठीक है आईलैंडर्स अब ये टोरस स्ट्रेट के आसपास जो रह रहे हैं ये एरिया ठीक है ये टॉरस स्ट्रेट हो गया इन्हें हम क्या कहते थे आइलैंडर्स आइलैंडर्स कहते थे क्यों उन्हीं की बात मैं कर रहा था बिकॉज दे वर लिविंग इन पर्टिकुलर आइलैंड छोटे छोटे टेरिटरीज में रहते थे छोटे छोटे द्वीपों में रहते थे इसीलिए इनका नाम रख दिया गया आइलैंडर्स क्लियर है तो टॉरस स्ट्रेट अब ये पूरा आपको पता चल गया कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया उस समय इनहैबिटेड था क्लियर है अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से आज के समय में ऑस्ट्रेलिया हुआ और फिर हम देखेंगे कि कैसे ऑस्ट्रेलिया कैप्टन कुक के द्वारा कॉलोनाइज किया गया ठीक है तो टर्म एबोरिजिन जो हमने अभी समझा और एबोरिजिन का मतलब होता है जिसकी ओरिजिन यहीं पर हुई है जो यहां का नेटिव है जो यहां का लोकल है जो यहीं को बिलोंग करता है क्लियर है वो एबोरिजिन कहलाता है सो एबोरिजिन इज नॉट यूज फॉर दीज अब आज के रेट में नहीं इस्तेमाल किया जाता क्लियर है एज दे आर बिलीव टू हैव माइग्रेटेड फ्रॉम एल्स वेयर एंड बिलोंग टू अ डिफरेंट रेस ठीक है अब ये ऑस्ट्रेलियन जो यहाँ पे आके बस गए उनके लिए अब ऑरिजिन शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता ऑब्वियस बात है बिकॉज दे बिलोंग्स टू द डिफरेंट रेस ठीक है और लगभग लगभग आगे जाके आप देखेंगे कि अभी भी हमारे जो आदिवासी हैं ये आदिवासी अच्छा यहाँ पे जो मैंने कहा ये ओबरिजिन ये ऑस्ट्रेलियन कंटेक्स्ट में कहा मैंने ऑस्ट्रेलियन कंटेक्सट का मतलब है जो यूरोपियन ऑस्ट्रेलियन आके बसे ये नहीं मानते ऐसा कि ये जो एबॉरिजिन हैं यहाँ के या जो लोकल हैं यहाँ के ये लोग बेसिकली लोकल ही हैं क्योंकि ये मानना है कि ये लोग भी कहीं से आके बसे इसलिए ये भी यहाँ के एब नहीं हैं क्लियर है तो ये बात है क्योंकि ये डिफरेंट रेस को बिलोंग करते हैं अलग अलग कम्यूनिटीज़ को बिलोंग करते हैं ठीक है ऑब्वियस ही बात है दुनिया भर में ह्यूमन बींग्स की या ह्यूमंस की बहुत सारी रेस हैं आपको ये पता है ठीक है ना है ना ऑस्ट्रोलाइट प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट तमाम है ना अफ्रीकन और दुनिया भर की जो रेसेस हैं इन रेसेस के बारे में अगर आप बात करोगे तो अब यूरोपियन की तुलना में तो ऑब्वियस ही बात है ये डिफरेंट रेस ही है तो यहाँ पर भी जो आइलैंडर्स हैं इन आईलैंडर्स में भी आपको बहुत सारे ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल देखने को मिलेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट रेसेस के थे ऐसा नहीं था कि पूरे एरिया में ऑस्ट्रेलिया और जो टॉरस स्ट्रेट यानी इस पूरे एरिया में साउथ का जो सी है साउथ के सी में जितनी भी स्पेसीज या जो भी ट्राइब्स रहती हैं ये एक रेस को बिलोंग करती हूँ क्लियर है इसीलिए बाद में टर्म या ये आर्गूमेंट दिया जा रहा है ठीक है कि ये जो टर्म है ये इन लोकल लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता सबके लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता ऑस्ट्रेलियन के लिए तो फिर भी ठीक है इस्तेमाल कर लो लेकिन जो आइलैंडर्स हैं उनके लिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रेसेस को बिलोंग करते थे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा इस बात पर क्लियर है ये जो आइलैंडर्स हैं उनके लिए यूरोपियन जो यूरोपियन ऑस्ट्रेलियन है उनका ये आर्ग्यूमेंट है चलो और आज के रेट में भी लगभग लगभग आप देखोगे दो हजार पांच के डेटा के हिसाब से ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन का 2.4 परसेंट के आसपास वहां के जो लोकल लोग हैं ये बिलोंग करते हैं यानी अभी भी वहां पे ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से जो अब हैं या जो लोकल लोग हैं वो खत्म हो गए क्लियर है चलो उस समय तक जो ऑस्ट्रेलिया था जिस समय इसकी खोज हुई है ठीक है 1768 के आसपास आया था सबसे पहली बार यहाँ पे फर्स्ट वॉयज जो थी कैप्टन कुक की वो 1768 के आसपास थी ठीक है और वो इस पूरे तास्मान एरिया और यहाँ पर वो एक्सप्लोर करेगा 1770 के आसपास जो है वो ब्रिटिशर्स बाकायदा ऑफिशियल ऑक्यूपेशन यहाँ पे शुरू कर देंगे तो ऑस्ट्रेलिया उस समय जब ब्रिटिशर्स आएंगे सेवनटीन के आसपास तो स्पार्सली पॉपुलेटेड यानी कि बहुत सघन डेंसली पॉपुलेटेड नहीं था स्पार्सली पॉपुलेटेड मीन्स जनसंख्या वहां पे स्कैटर्ड थी अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी यहां पर कम मिलेगी आपको क्यों क्योंकि ट्राइबल्स जो है वो अलग अलग एरियाज में स्कैटर्ड थे दे वर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड एट पर्टिकुलर प्लेसेस कि वो किसी एक जगह पर ऐसा कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं रह रहे थे ठीक है सो ऑस्ट्रेलिया एट दैट टाइम पार्सली पॉपुलेटेड और आज के डेट में भी आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में जो पॉपुलेशन है जो सेटलमेंट है वो भी बहुत कुछ इसी तरीके से है क्यों मोस्ट ऑफ द टाउन्स आर अलॉन्ग द कोस्टल एरियाज क्योंकि जो बसा भी जो बसावट भी हुई इन्हाविटेशन भी हुआ वो इन्हाविटेशन ज़्यादातर कोस्टल एरियाज के आसपास होगी ध्यान रखिएगा क्लियर है और रीजन यही है कि जो सेंट्रल रीजन है वो ज्यादातर रीजन का मतलब एक रीज़न कारण वाला और एक रीज़न जगह वाला ठीक है तो रीजन इसका ये है कारण इसका ये है कि ये जो क्षेत्र है जो रीजन है दैट इज अरा डेजर्ट और इस डेजर्ट की वजह से ऑब्वियसली बात है रिसोर्सिस कम है और जो सेंट्रलाइज इलाका है जो सेंट्रल टेरिटरीज uh, हैं ऑस्ट्रेलिया की वो प्रॉपरली आपको इनहेबिटेड नहीं मिलेंगी क्लियर है चलो <coughs> अब हम बात करते हैं एक टाइमलाइन की इस टाइमलाइन में आपको मैं बताता हूं कि कैसे यूरोपियंस ऑस्ट्रेलिया के कांटेक्ट में आए अब सी वॉयजेस का दौर जब शुरू हुआ था जिस सी वॉयजेस की बात हमने कर ली है चैप्टर एट में चैप्टर एट में आपको ऑस्ट्रेलिया तो नहीं लेकिन हाँ नॉर्दर्न अमेरिका की बात हो गई थी नॉर्दर्न अमेरिका की बात थोड़ी सी हुई थी बेसिकली सेंट्रल और सदर्न अमेरिका की बात हुई थी वहां पे और स्पैनिश और पोर्तुगीज कॉलोनीज आके आपके सेंट्रल और सदर्न अमेरिका को कॉलोनाइज किया था उन्होंने तो उस समय आपकी सी वॉयजेस शुरू हो गई थी क्लियर है <coughs> अब जब बाकी सी वॉयजेस अलग अलग एरियाज में हुई यानी कि आपका अटलांटिक ओशन से रिलेटेड और अटलांटिक ओशन से लगे हुए जितने भी आपके टेरिटरीज हैं जो लैंड मार्क्स हैं उनको एक्सप्लोर कर लिया गया अब बढ़े ये और पैसिफिक ओशन की तरफ ठीक है पैसिफिक ओशन की तरफ बढ़े और वहां पर बहुत सारे जो और छोटे छोटे आइलैंड एरियाज हैं उनको भी एक्सप्लोर करना शुरू किया क्लियर है तो इसी सीरीज में 1606 के आसपास सबसे पहले डच ट्रैवलर्स जो हैं ठीक है थीके? ये नीलैंड नीदरलैंड हॉलैंड ये जो है आपके कंट्रीज तो डच ट्रैवलर्स जो हैं इन्होंने ऑस्ट्रेलियन एरिया ऑस्ट्रेलियन लैंड को ऑब्जर्व किया क्लियर है ऑस्ट्रेलियन लैंड को ऑब्जर्व करने का मतलब है ऐसा नहीं कि जाकर वहां पर सेटल हुए हों फर्स्ट टाइम दीज डच ट्रेवलर्स ऑब्जर्व दिसट दिस सॉ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है कि हां ये एक बड़ा लैंड मार्क्स एरिया है क्लियर है ये दिमाग में आगे लोगों के कि अच्छा इस एरिया में भी यहां पर कुछ इनहेबिटेशन भले ट्राइबल्स लोग रहते हो जो भी रहते हो लेकिन दूर से ही वहां से निकलते हुए अपने जहाजों में उन्होंने देखा कि अच्छा ऑस्ट्रेलिया मतलब अब ऑस्ट्रेलिया नाम जैसा कुछ नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नाम अभी तो हम रखने वाले हैं उन्होंने ये समझा कि यहां पर एक लैंड है 1642 में आपका एक ट्रैवलर है जिसका नाम है तस्मान क्लियर है तो तस्मान लैंड करेगा कहां पर एक एरिया में एक आइलैंड में जिसे आज हम तस्मानिया के नाम से जानते हैं वाइट इज नेम्ड एज तस्मानिया बिकॉज द पर्सन हु एक्सप्लोर दिस एरिया वॉज द तस्मान ठीक है तो तस्मान जो है वो इस एरिया को एक्सप्लोर करेगा और वो पहली बार बताएगा और उसी के नाम पर तस्मानिया गया उस क्षेत्र का बाद में ब्रिटिश रॉयल नेवी का एक ऑफिसर है जिसका नाम है कैप्टन जेम्स कुक ठीक है ब्रिटिश आर्मी का एक ऑफिसर है जिसका नाम है कैप्टन जेम्स कुक ही रीज ऑन द बॉटनी बे क्लियर है और इसने इस एरिया को बॉटनी बे का जो इलाका है उसने इसको साउथ वेल्स नाम दिया क्लियर है 1788 के आसपास ब्रिटिश पैनल कॉलोनी फॉर्म्ड यानी कि ऑफिशियली आपका जो ऑस्ट्रेलिया है इसको एक ग्रुप के द्वारा एक पैनल के द्वारा एक कम्युनिटी के द्वारा एक काउंसिल के द्वारा गवर्न करना शुरू कर दिया गया मीन ऑस्ट्रेलिया अ कॉलोनी एंड सिडनी वॉज फाउंडेड तो आज का मॉडर्न जो ऑस्ट्रेलिया है इसके डेवलपमेंट की स्टोरी जो है वो कुछ इस तरीके से रही क्लियर है चलो नाउ द स्टोरी ऑफ द इंटरक्शन बिटवीन द यूरोपियन सेटलर्स बहुत सारे इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं बहुत सारे अलग अलग एंगल्स हैं लेकिन बहुत कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं अलग अलग एंगल का मतलब है ये काफ़ी बाद में एक्सप्लोर किया जा रहा है ठीक है एक्सप्लोर करने के बाद डायरेक्टली कॉलोनी बन गई है लेकिन उसके बाद भी काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं किससे अगर आप कंपेयर करेंगे अमेरिका से ठीक है अगर आप अमेरिका की स्टोरी से इसको कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा आपको सिमिलैरिटी भी दिखेगी डिफरेंसेस भी दिखेंगे कहां अमेरिका के कंपैरिजन में जो ऑस्ट्रेलिया है इसका कॉलोनाइजेशन काफी बाद हुआ, लगभग 300 साल के आसपास ठीक नियरली 300 हंड्रेड इस लेटर और सिमिलैरिटीज क्यों है मतलब सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस दोनों की बात कर रहे थे पर ज्यादा सिमिलैरिटीज क्यों है बेसिकली सिमिलैरिटीज इसलिए है कि आप देखोगे कि जब अमेरिका में यूरोपियंस आ रहे हैं यूरोपियंस का पहली बार जो है वो आगमन हो रहा है ठीक है वेन द यूरोपियंस केम टू दिस एरिया तब आप देखोगे कि उनके जो एनकाउंटर्स हैं अब के साथ में नेटिव्स के साथ में वो काफी कुछ सिमिलर थे ऐसा ऐसा कहा जाता है क्लियर है तो ये माना गया कि भाई शुरू में ये शुरुआती रिपोर्ट्स है ध्यान रखिएगा ये शुरुआती रिपोर्ट्स हैं और इन शुरुआती रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि जब कैप्टन कुक हालांकि ऐसा सही नहीं था पूरा जब कैप्टन कुक यहां पे पहुंचा तो कैप्टन कुक ये पूरी उल्टी से स्टोरी है ठीक है तो कैप्टन <tlesham> कुक जब यहां पे पहुंचा तो ऐसा माना गया कि कैप्टन कुक का बहुत बड़े तरीके से स्वागत हुआ क्लियर है <tlesham> <tlesham> कैप्टन कुक को बाकायदा जो है वो दोस्तों की तरह यहां पर नेटिव्स ने स्वीकार किया क्लियर है और ऐसा ही आपने पढ़ा था अमेरिकन के बारे में अमेरिकन में भी आपने यही पढ़ा था कि जब अमेरिकन यहां पर आए कहां पर नॉर्थ अमेरिका में मतलब अमेरिकन का मतलब आज के अमेरिकन हो गए लेकिन पहले के यूरोपियंस हैं तो जब यूरोपियंस अमेरिका में आए तो उनका भी स्वागत किया हमारे ट्राइबल लोगों ने और बाकायदा उनको दोस्त की तरह ट्रीट किया है ना उनको वो सारी चीजें दी जो वो चाहते थे उनके साथ में उनको गिफ्ट वगैरह दिया उनके साथ में एक्सचेंजेस किए गुड्स के तो इसी तरीके की शुरुआती रिपोर्ट्स हैं ठीक है जबकि इसमें बहुत ज्यादा सत्यता है नहीं है

तो था क्या जब कैप्टन कुक जो है वो तीन वॉयजेस करेगा ठीक है तीन यात्राएं करेगा अपनी तीन जर्नीज हैं उसकी तीसरी जर्नी में वो हवाई के आसपास जो है वो था तो हवाई के जो ट्राइबल्स हैं इनके साथ में उसके कॉन्फ्लिक्ट हुए और इस कॉन्फ्लिक्ट में उसको लोकल लोगों ने निपटा दिया मार दिया क्लियर है तो ऐसा माना जाता है कि अब बाद में एक ऑब्वियस सी बात है अगर कैप्टन कुक की हत्या हुई कैप्टन कुक जो है वो मारा गया वहां पे इसका मतलब जो अब थे या नेटिव थे उनके रिलेशन उतने फ्रेंडली नहीं थे इनके साथ में क्लियर है अब देखो ये आप ये भी मान सकते हो कि ये एक कारण मान सकते हो यूरोपियन जो है वो बहाने बनाने में आगे हैं और किसी भी तरीके से एक्सक्यूजेस देके किसी भी तरीके से कोई जस्टिफिकेशन देके अपने कॉलोनाइजेशन को वो बस जस्टिफाई करना चाहते हैं ठीक है सो so, अक्सर ऐसा हुआ कि रीज़न क्या दिए गए ये हम मान सकते हैं कि बिल्कुल जो ट्राइबल्स थे वो फ्रेंडली रहे होंगे ठीक है उनमें मित्रता का भाव रहा होगा फ्रेंडलीनेस रही होगी क्योंकि अभी तक जहां जहाँ हमने देखा है तो जो हमारे आ, ट्राइबल्स थे वो यूरोपियंस की तुलना में उन्होंने एक एक बढ़िया सा हॉस्पिटलिटी दिखाया है लेकिन ये जेम्स कुक की जो हत्या का मामला है इसको आप ये मान सकते हो कि ये एक रीज़न है क्लियर है क्योंकि इस तरीके के नेचर जो है इस तरीके के इंसिडेंट जो है इस तरीके के नेचर वाले जो इंसिडेंट हैं इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये घटनाएं जो है वो इन यूरोपियंस को उसका कॉलोनाइजेशन जो उन्होंने किया उसके लिए एक वैध कारण देती हैं, उसके लिए एक वैलिड रीजन देती हैं उसको जस्टिफाई करती ध्यान रखिएगा क्लियर है और बाद में जो भी इन्होंने वायलेंस की बाद में जो हिंसक गतिविधियां हमारे यूरोपियंस करेंगे किन के प्रति लोकल लोगों के प्रति उनको ये जस्टिफाई कर दें कि भाई शुरुआत में हमारे दोनों के रिलेशन फ्रेंडली थे और इवन जब यूरोपियंस आए तो उन नेटिव्स के साथ भी बहुत मित्रता के साथ और बहुत प्रेम के साथ मिले लेकिन धीरे से बाद में जब दूसरी तीसरी यात्राएं हुई तो उसके बाद कैप्टन कुक जैसा ऑफिसर जो है किल्ड कर दिया गया उसकी हत्या कर दी गई तो अब आगे अगर आप जस्टिफिक मतलब जब आप कॉलोनाइजेशन करोगे तो आप अगर वायलेंट एक्टिविटीज़ तो करोगे और बाकी जगह बाकी जो एरियाज हैं हमारे नॉर्थ अमेरिका के सेंट्रल अमेरिका और सदर अमेरिका के इनके कॉलोनाइजेशन में आपने देखा ही है कि गलती किसकी थी एक्चुअल में ठीक है तो अब अगर ये वही गतिविधियां करेंगे तो जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई ऐसा है कि हमने तो बहुत बाद में किया पहले तो इन्होंने शुरू किया और उसके बाद फिर जब हमारे ऑफिसर्स की हत्याएं होनी शुरू हो गई इस तरीके से तब तो उसके बाद फिर हम Violent activities कर रहे हैं क्लियर है देट इज नाइनटीन ट्वेंटी सेंचुरी लगभग उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में लगभग नब्बे टू जो इस बात का उनको अंदाजा नहीं है ये वायलेंस का जस्टिफिकेशन तो ठीक है एक बार दे सकते हैं वो हालांकि वायलेंस का जस्टिफिकेशन कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है जब तक कि ये सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए कि हाँ आप आए और आप और ट्राइबल्स दोनों लोग एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स थे और उन ट्राइबल्स ने आपके ऊपर सीधा अटैक कर दिया क्लियर है तो हमें तो इंटेंशन भी पता है यूरोपियंस के कि वो अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में जा रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं वो ग्रीड है उनके पीछे रिसोर्सेज को हथियाने जा रहे हैं कॉलोनाइजेशन करने के लिए जा रहे हैं तो ये तो जग जाहिर हो गई बात ये तो रिनाउन बात हो गई ये तो सबको पता ये तो कॉमन बात हो गई क्लियर अभी यहाँ पे आप देखो कि आगे की घटना बताई जा रही है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के आसपास नाइनटीन और ट्वेंटी सेंचुरी के आसपास 90 परसेंट जो पॉपुलेशन है किन की की जो पॉपुलेशन है जो लोकल नेटिव लोगों की पॉपुलेशन है उनमें से मतलब जर्म्स <coughs> की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से उनकी डेथ हो गई क्लियर है बहुत सारे लोग उन्होंने अपनी ज़मीनें खो दी क्लियर है संसाधनों को खो दिया क्लियर है और जो युद्ध लड़े गए उन युद्धों में सेटलर्स के अगेंस्ट जो युद्ध हुए। यहां पर सेटलर्स शब्द जहां भी आएगा तो आपको समझ जाना है कि जो सेटलर्स हैं दे आर बेसिकली द यूरोपियंस हु गॉट सेटल्ड इन दिस एरिया तो यूरोपियन लोग जो है उस एरिया में आकर बसने शुरू हो गए सेटल होने शुरू हो गए तो सेटलर्स शब्द हम इनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्लियर है अब ये चीज आपको सिंपली उस एटमोस्फियर को उस को क्रिएट कर रही है जिस में ऑस्ट्रेलिया अपने कॉलोनाइजेशन को जस्टिफाई करता है कि ठीक है इनिशियली तो जब इंटरक्शन हुआ यूरोपियंस का ऑस्ट्रेलियंस नेटिव ऑस्ट्रेलियंस के साथ में या नेटिव लोगों के साथ में तो बोथ ऑफ देम वर फ्रेंडली ठीक है इवन यूरोपियंस वर मोर फ्रेंडली ये बातें पोर्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही बट लेटर ऑन फीलिंग्स चेंज हो गई और फीलिंग चेंज होने का रीजन जो है वो कैप्टन कुक की हत्या हवाई में क्लियर है अब ये रीजन देखे अपने कॉलोनाइजेशन को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया लेकिन सच्चाई ये है कि कॉलोनाइजेशन तो करना ही था उनको और कॉलोनाइजेशन का आप इंपैक्ट देखेंगे कि 90 परसेंट जो पॉपुलेशन है वो इन्फेक्शन की वजह से यही केस हमने अमेरिका में भी देखा था से, आपके सेंट्रल अमेरिका और सदर्न अमेरिका में भी देखा था वहां पर बहुत सारी डिजीजेस जो है वो स्प्रेड हो गई थी क्यों डिजीज स्प्रेड हो गई थी क्योंकि यूरोपियंस अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेके आएंगे और आपके जो ट्राइबल्स हैं बेसिकली ये लोग क्या है ये जुड़े भी तो नहीं है अभी मतलब दुनिया के साथ इतने कनेक्टेड थे नहीं इसलिए इनका इम्यूनिटी लेवल भी बहुत कम था और इम्यूनिटी लेवल कम होने की वजह अलग थलग रहते थे आपस में ही तो रहते थे कभी ऐसा इनका आना जाना बाहर हुआ नहीं था तो एक्सपोजर जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा आपका फिजिकल फीचर आपका इम्यूनिटी लेवल भी होता है तो यहां पर एक्सपोजर जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से वो बहुत कम हुआ यूरोपियंस का लेवल ठीक ठाक था और उनकी वजह से यहां पर बहुत सारी बीमारियां कीटाणु ये फैले शु, फैलने शुरू हुए बहुत सारे लोग जमीनें हथियाना शुरू कर देंगे जैसा कि आपने नॉर्थ अमेरिका में अभी देखा क्लियर है और धीरे धीरे ये सारे लोग अपने रिसोर्सेस को खोते चले जाएंगे क्लियर है तो आप आगे देखोगे कि सेम वही गतिविधि जो गतिविधि पोर्तुगीज लोग ब्राजील वगैरह में कर रहे थे क्लियर है जो वायलेंट एक्टिविटीज और जो स्पैनिश लोग नॉर्थ अमेरिका या मैं कहूं सेंट्रल अमेरिका में कर रहे थे जो ब्रिटिशर्स नॉर्थ अमेरिका में कर रहे थे यही सारी ऐसे ही कुछ गतिविधियां आपको देखने को देखने को मिलेंगी यहां पर क्लियर है और आगे आप देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस आके बस गए क्योंकि ब्रिटिशर्स इसमें डोमिनेटेड हैं तो आप देखेंगे कि ये भी ठीक उसी तरीके से अपने पैरेंट नेशन के प्रति वॉर शुरू करेंगे जैसा कि अमेरिकन ने किया क्लियर है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जब यूरोपियंस का बसना शुरू हो गया तो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में जो आए थे लोग ये रिफ्यूजी तरीके के लोग थे ठीक है कैप्टन कुक जब आया और यहाँ पर कमीशन किया इसने कॉलोनी के तौर पर ऑस्ट्रेलिया को बाद में ऑस्ट्रेलिया में जो लोग सेटलर की तरह आ रहे हैं जो बसने के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं ठीक है इनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो कैसे हैं ये या तो ब्रिटेन में सजायाप्ता लोग हैं इनके ऊपर कुछ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं ठीक है उनके वो किसी न किसी चार्जेस में कन्विक्ट हैं या फिर सताए हुए परेशान लोग जैसे नॉर्थ अमेरिका में आके बसे थे अमेरिका और कनाडा में आके बसे थे तो ऐसे ही लोग हैं तो बाद में भी आप यही देखेंगे कि सेम वही सिचुएशन होने वाली है और यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं दे एडोप्टेड द सेम प्रैक्टिस इन द अमेरिकन कॉलोनीज दे बिकेम इंडिपेंडेंट जैसा कि अमेरिकन कॉलोनीज में जो हमारे यूरोपियंस थे उन्होंने अपने पेरेंट नेशन के साथ में फाइट करी और अपने आप को फिर इंडिपेंडेंट कर दिया तो वही सिचुएशन यहां पर भी मिलेगा क्लियर है देखो वही जो बातें हमने अभी करी मोस्ट ऑफ द अर्ली सेटलर्स यानी कि जो पुराने टाइम पर यूरोप से आके बसे यहां पर ऑस्ट्रेलिया के एरिया में मोस्ट ऑफ द अर्ली सेटलर्स हुआ कन्विक्स हुन डिपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड अब ये हुआ कि भाई शुरुआत में इंग्लैंड को लगा या ये जो एरिया हमने डिस्कवर किया है अब यहाँ कुछ होने वाने वाला नहीं यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होंगे नहीं और उस समय में सेंट्रल एरिया वैसे भी एर, जो है वो एराइट डेजर्ट एरिया था लेकिन कोस्टल एरियाज़ में आप देखोगे आगे जाके है ना सोने की काले मिलने वाली हैं जिसको बाकायदा यूरोप में न डिस्परेटली होके खासकर इंग्लैंड जो है हमारा और इंग्लैंड फ्रांस सभी डिस्पोरेटली होके खोज रहे थे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये डिपोर्ट कर दिए जाएंगे कि भाई इंग्लैंड इंग्लैंड से हटो यहीं रहो ठीक है और जब इनकी सजा का समय खत्म हो गया तब इनको अलाउ किया गया कि वैसा है कि आप लोग अपना फ्री टाइम यहीं पे रहिए है, है ना इनको यहीं बसने का जो है वो अलाउ कर दिया गया शर्त ये थी कि ये लोग कभी ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन कभी नहीं आएंगे ठीक है और आप यहीं रहिए यहाँ के जो भी रिसोर्सेस हैं उनको एक्सप्लोयड करिए और यहीं पर आप रहिए तो इस तरीके से अब राजा की साजिश कह लो या जो भी कह लो कि कुछ भी हो आखिर रहे तो हमारे लोग ही रहे हैं और हमारा एक तरीके से इनडायरेक्ट उनके ऊपर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन तो चल ही रहा है तो यहाँ पर कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो करेंगे ही जब रहेंगे तो अपने खाने पीने के लिए अपने अपने आप को सस्टेन करने के लिए तो कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे ही ना ऐसा तो है नहीं कि अपनी जो एक्टिविटी है उसको पूरी तरीके से बंद कर देंगे है ना अब जिंदा रहना है तो स्ट्रगल तो करना पड़ेगा तो यह सिचुएशन यहां पे देखने को मिलेगी <coughs> अब शुरुआत में इनके लिए कंडीशन जो थी वो बहुत अलग थी क्योंकि शुरुआत में इनको रिसोर्सेस यहां पे नहीं मिले और वैसे भी ये सजायाफ्ता लोग हैं कैदी लोग हैं डिपोर्टेड लोग हैं है ना क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं तो यहां का सिचुएशन जो है बहुत ऊट पटांग है क्लियर है तो यहां पर इनके लिए संसाधन बिल्कुल नहीं थे लेकिन फिर भी कम से कम ज़मीन तो थी ही ना तो ज़मीन नहीं थी तो फिर शुरुआत में अब क्रिमिनल लोग तो वैसे भी हैं तो इनको ज़्यादा मुश्किल है तो आएंगे नहीं है ना लड़ाई झगड़ा और छीनने वगैरह में तो संसाधन नहीं मिले रिसोर्सेस नहीं मिले बट लैंड मिल गई इनको ज़मीन तो मिली गई और उस जमीन में कुछ नहीं तो कम से कम एग्रीकल्चर तो किया ही जा सकता है कुछ नहीं तो कम से कम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी तो की जा सकती है और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करेंगे तो कम से कम हमारे खाने के लिए हम हमारे सस्टेन करने के लिए तो मिल ही जाएगा तो यही चीज़ यहाँ के जो यूरोपियन सेटलर्स हैं उन्होंने सोची और इन्होंने क्या किया कि भाई हमारे पास जमीन तो है ही है अब ये जमीन का हम ओनरशिप करना शुरू कर दें और बिल्कुल भी संकोच नहीं किया इन्होंने नेटिव लोगों को उस एरिया से हटाने में और उनकी सारी जमीनों पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया और वहां पर कल्टिवेशन वगैरह करना शुरू करेंगे क्लियर है और यहां से ऑस्ट्रेलिया का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है आज का जो मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया है है ना ऑस्ट्रेल का मतलब ही होता है साउथ साउथ तो ऑस्ट्रेलिया मतलब विच इज लोकेटेड इन द साउथ जो दक्षिण में स्थित है उसी को ऑस्ट्रेलिया का आगे ध्यान रखिएगा क्लियर है तो ऑस्ट्रेल वर्ड द वर्ड ऑस्ट्रेल सिंपली मीन्स साउथ और वहीं से ऑस्ट्रेलिया का जिक्र आता है क्योंकि साउथ सी की तरफ था और जब यूरोपियंस ढूंढने के लिए निकले तो उनको दक्षिण की तरफ आना पड़ा और उन्हें इसको नाम दिया ऑस्ट्रेलिया क्लियर है अठारह धीरे धीरे हमारे ये जो यूरोपियन सेटलर्स हैं ये यूरोपियन सेटलर्स यहाँ पर अपनी किस्मत को बदलने के लिए संघर्ष करना शुरू करेंगे है ना स्ट्रगल इनके शुरू हो गए और इस स्ट्रगल में इनके पास जो भी रिसोर्सेज थे इन रिसोर्सेज को उन्होंने यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया और इस यूटिलाइजेशन के दौरान बहुत सारे ऐसे संसाधन इनको मिले जिन संसाधनों ने इनकी किस्मत सही माने में बदल दी जैसे कूल गार्ली और काल जो है आ, सोने की खाने और तमाम रिसोर्स आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलने शुरू हो जाएंगे इन रिसोर्स ने यहाँ के जो यूरोपियन सेटलर्स थे इन सेटलर्स को अब इंपॉर्टेंट बना दिया ब्रिटेन के लिए इंपॉर्टेंट बना दिया क्यों ब्रिटेन के लिए इंपॉर्टेंट बना दिया क्योंकि अब राजा का कुछ ना कुछ यहाँ पर एडवांटेज है तो एडवांटेज है तो भाई ऐसा है कि अब सिचुएशन चेंज होगी और यहाँ पे हम अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है अपना कंट्रोल है उसको बढ़ाना शुरू करें तो ये सिचुएशन हो गई 1850 में ये सिचुएशन होगी कि ऑस्ट्रेलियन जो है इनको सेल्फ गवर्नमेंट ग्रांट किया जाएगा क्लियर है ऑस्ट्रेलियन कॉलोनीज को सेल्फ गवर्नमेंट ऐसा क्यों क्योंकि सेम सिचुएशन जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये सेटलर्स जो है ये भी अब ब्रिटेन का जो राजा है इनका जो किंग है इनके प्रति वही रवैया अपनाएंगे जो अमेरिकन ने अपनाया कि भाई हमें जब छोड़ा था तुमने तब तो तुमने ये वादा किया था कि तुम कभी वापस मत आना ब्रिटेन और हमें यहाँ पर इसलिए छोड़ के गए थे कि हम वहाँ पर क्रिमिनल थे और हम वहाँ पर किसी काम के नहीं थे हम वहाँ सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे तो हमको आप यहाँ पर छोड़ के चले गए उस समय कोई संसाधन नहीं थे कैसे हमने ऑस्ट्रेलिया को बसाया ये तो अब हम ही जानते हैं किस तरीके से क्या क्या सिचुएशंस के साथ में हमने यहाँ पर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट किया और इसके बाद आज जो हमें रिसोर्सेज़ मिले हैं अब उनको आप एक्सप्लोयट करने आ गए तो इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू होगा और उसी की बदौलत 1850 में आप देख रहे हो बहुत सालों बाद लगभग सौ साल से ज्यादा ही हो गया है ना अमेरिका को आजाद हुए तो 1850 के आसपास आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट मिलेगा स्वशासन करने का अधिकार सेल्फ गवर्नमेंट का अधिकार स्वराज का अधिकार मिलेगा क्लियर है ऑस्ट्रेलियन कॉलोनीज को 1851 में यहां पर अगले ही साल से यहां पर बकायदा बड़े लेवल पर डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ होनी शुरू होंगी और इन डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ में जो माइंस हो रही हैं जो फैक्टर कमर्सलाइजेशन uh, हो रहा है जो फैक्ट्रीज़ स्टैब्लिश हो रही हैं ठीक है गोल्ड वगैरह भी मिल गया तो अब गोल्ड की तरफ भी भागना शुरू करेंगे लोग गोल्ड रश ऑस्ट्रेलिया का भी गोल्ड रश शुरू होगा जैसे अमेरिका का गोल्ड रश हुआ था जैसे अमेरिका में कैलिफोर्निया में गोल्ड मिला था तो गोल्ड रश वहाँ शुरू हुआ वैसे ऑस्ट्रेलिया में भी शुरुआत होगी तो अब यहाँ पर बड़े पैमाने पर चाइनीज़ जो लोग हैं ये लोग अपने <coughs> लेबर uh, एक्टिविटीज को करने के लिए आना शुरू हो जाएंगे चाइनीज इमिग्रेशन होना शुरू हो जाएगा जब जो कि बाद में 1855 में कानून बनाकर इसको रोका जाएगा कि चाइनीज <coughs> लोग अब यहां पर लोकल लोगों के धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट के लिए खतरा क्रिएट कर रहे थे प्लस इन्हें यह भी एक डर था कि ये आकर बसेंगे बड़े पैमाने पर तो समस्याएं होनी शुरू हो जाएंगी कैसे समस्याएं ये भी यहां पर सेटल होंगे और अब लॉन्ग टर्म में फिर क्या होगा लॉन्ग टर्म में फिर एक फिर से क्लैश वाली सिचुएशन बनेगी इसलिए 1851 में जो चाइनीज स्कूली इमिग्रेशन शुरू होगा चाइनीज वर्कर्स का इमिग्रेशन होगा चाइनीज़ लोग आना शुरू करेंगे उनको बकायदा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट 1855 में लॉ बना के रोकेगी 1851 में यहाँ पे गोल्ड रश 1851 से 1961 का जो टाइम पीरियड है इसे हम गोल्ड रश का टाइम पीरियड कहते हैं क्यों क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक पर्सन है उस समय हरग्रफ्स नाम का यही वो पर्सन है जो आपके कैलिफोर्निया में भी आ, गोल्ड रश या गोल्ड को जो है आप कह सकते हो डिस्कवर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा तो यही जो है वो ऑस्ट्रेलिया में था उस समय अच्छा ऐसा नहीं कि पहली बार आपके ऑस्ट्रेलिया एरिया में गोल्ड ढूंढा जा रहा है है ना <coughs> इसके पहले भी गोल्ड जो है वो था और गोल्ड जो है वो कई बार यहाँ पर डिस्कवर हुआ था लेकिन अब चूंकि क्या था कि आ, आपका जो ब्रिटेन था जिसको आप साउथ वेल्स गवर्नमेंट कह रहे हैं साउथ वेल्स क्योंकि आपको याद होगा अभी इसी वीडियो में हमने डिस्कशन किया कि ऑस्ट्रेलिया का नाम जो है इस पूरे एरिया को जब उसने कैप्टन जेम्स कुक ने डिस्कवर करा खोजा तो साउथ वेल्स रख दिया इस एरिया का नाम क्लियर है तो हरग्रेव ने यहां पर 1851 में ऑरेंज नाम की जगह थी ऑरेंज नाम की जगह थी ठीक है इसी को ऑफिर नाम से भी जानते हैं यहां पर सब उस समय 1851 में गोल्ड खोजा और अब क्या था इसी के आसपास आपके कैलिफोर्निया में भी गोल्ड जो है वो ढूंढा गया था है ना लगभग एटीन फोर्टी फोर्टी एट इसी के आसपास का समय था और अब बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका की तरफ माइग्रेट कर रहे थे तो अब इस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगा कि यार फिर यहाँ पे कैसे काम चलेगा तो अब डिस्क्लोज कर सकते हैं पहले इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे कि यार यहाँ की इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो जाएगी और इसके अलावा तमाम खबर फैलेगी तो बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर इमिग्रेशन शुरू हो जाएगा बाहर के लोग आकर जो है बसना शुरू हो जाएंगे तो ये फिर किसको किसको मना करोगे इसलिए पहले ये न्यूज दबा दी जाती थी लेकिन अब जो है ये इस न्यूज़ को बाकायदा पब्लिक कर दिया गया कि यहां पर गोल्ड जो है वो डिस्कवर हुआ है और 1961 तक बड़े लेवल पर यहां पर गोल्ड को एक्सप्लॉयट किया जाएगा और इसी गोल्ड के इस्तेमाल से आप आ, आपका जो ऑस्ट्रेलिया है इस ऑस्ट्रेलिया में बड़े लेवल पर डेवलपमेंट फंड होंगे और वो कॉलोनी जो एक आ, कन्विक्ट कॉलोनी थी या कॉलोनी ऑफ कॉलोनी ऑफ कन्विक्ट कहा जाता था कॉलोनी ऑफ कन्विक्ट क्यों आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहां पर जो लोग आए थे वो कन्विक्टेड है है ना ये कॉलोनी अब जो है वो बड़े पैमाने पर ब्रिटिशर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉलोनी बन गई थी क्लियर है 1901 के आसपास इसी दौरान जब आ, आ, आपके ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड रश चल रहा है तो यहां पर फेडरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया का फॉर्मेशन हुआ और छह स्टेट्स को बकायदा यहां पर ऑफिशियली स्टैब्लिश किया गया ये सिक्स स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में ऑफिशियली स्टैब्लिड हुई ज्यादातर कोस्टल एरियाज में थे ये छह स्टेट्स और इन छह स्टेट्स को बाकायदा गवर्नमेंट ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है ये ऑफिशियली मान्यता देगी कि एक फेडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या फेडरेशन के तौर पर आप लोग रूल करेंगे फेडरेशन क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है अमेरिका भी एक फेडरेशन की तरह है जहां पर राज्यों के बीच में आपस में एक तरीके का क्या होता है एग्रीमेंट होता है एक तरीके की ट्रीटी होती है एक तरीके का अलायंस होता है और वो एक कॉमन सेंटर बना के जो है वो अपना अप, अपने आप को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो वैसे यहाँ पर फेडरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्रिएट हुआ और इस फेडरेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया में छह स्टेट्स थे क्लियर है और सर्वसम्मति से 1911 में कैनबरा जो है इसको ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के तौर पर डिक्लेयर किया गया क्लियर है और चूंकि अब ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर क्या हो रहा था डेवलपमेंट की एक्टिविटी शुरू हो गई थी इसलिए 1948 से लेकर 1975 के दौरान आप देखोगे टू मिलियन यूरोपियंस माइग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया लगभग दो मिलियन यूरोपियंस जो है ये माइग्रेट करेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया में जो रहने की कंडीशंस थी वो बेटर हो गई थी पहले की तुलना में ऑस्ट्रेलिया अब ज्यादा अच्छे लिविंग लिविंग ऑफ ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड को <coughs> को आ, जो है वो ऑफर कर रहा था लोगों को और ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सिर्फ इसलिए था क्योंकि यहां पर गोल्ड बड़े पैमाने पर मिल चुका था रिसोर्सेज बड़े पैमाने पर मिल चुके थे और अब ये कन्विक्ड कॉलोनी नहीं रह गई या मैं कह दू कॉलोनी ऑफ कन्विक्ट नहीं रह गया क्लियर है सो so, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड ठीक है ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो गया और ये डेवलपमेंट का नेचर वैसे ही था जैसे अमेरिका में क्लियर है सो so, अमेरिका में भी डेवलपमेंट कुछ इसी तरीके से हुआ शुरुआत में जो आए सेटलर्स इन सेटलर्स ने क्या किया नेटिव लोगों की जो <coughs> ज़मीनें थी इन जमीनों को हथिया के इसको एग्रीकल्चर के हिसाब से बनाया और फिर सोना वगैरह खोजना शुरू किया गोल्ड वगैरह की खोज में लग गए ठीक है और फाइनली जब गोल्ड मिल गया तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले भी था लेकिन जैसे ही गोल्ड मिल गया वैसे यही इंडस्ट्रियलाइजेशन और बल्क में हो जाएगा और रैपिड हो जाएगा क्लियर है तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ऑस्ट्रेलिया का इट वॉज वेरी सिमिलर टू द अमेरिकाज डेवलपमेंट क्लियर है और साथ साथ डेवलपमेंट की जो हम बात कर रहे हैं उसमें दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चर को आप बिल्कुल भी साइड नहीं कर सकते हैं कि मतलब कंप्लीटली जो है वो इंडस्ट्राइजेशन हो गया आज के में भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ चल रही हैं और एग्रीकल्चर तो आपको ही पता है है कि एक ऐसा डोमेन जिसके बिना तो कहीं भी कोई भी सिविलाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है खाएंगे कहां से क्या आप सिर्फ फैक्ट्री फैक्ट्री चलाएंगे क्लियर है तो यहां पर बड़े आकार के शिप फार्म्स हुआ करते थे ठीक है माइनिंग स्टेशन हुआ करते थे और माइनिंग स्टेशन से बड़े पैमाने पर ये गोल्ड और बाकी जो उस समय जो भी डिपॉजिट्स मिलेंगे उन डिपॉजिट्स को एक्सकेवेट किया जा, जाएगा क्लियर है और इन जगहों पर काम करने के लिए बड़े पैमाने पर लेबर्स की भी रिक्वायरमेंट हो रही थी ध्यान रखिएगा क्लियर है इसके अलावा वीट यानी गेहूं वगैरह के खेत वाइन यार्ड्स जहां पर वाइन वगैरह बनाई जाती थी तो ये सारी सिच, सिचुएशंस जो है वो वहां पर डेवलप होने शुरू हो जाएगी कहां आपके ऑस्ट्रेलिया में और इनके लिए बड़े पैमाने पर अब लेबर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी क्लियर है तो पहले तो नेटिव लोग जो है पहले जो लोकल लोग हैं जो ट्राइबल्स हैं इनको एम्प्लॉय किया गया या इनको एम्प्लॉय करना शुरू किया गया किसमें फार्म्स में ठीक है लेकिन जो नेटिव लोग थे इन कंडीशंस में कितनी देर तक काम करते वही सिचुएशन थी जैसी अमेरिका में सिचुएशन थी बाकायदा इनको जो एम्प्लॉय किया जाता था कामों में वो आप कह दो कि स्लेवरी से कम नहीं था इतनी हार्श कंडीशंस होती थी यहाँ पर काम करने के लिए फार्म्स में माइंस में कि इट वाज लाइक नॉट डिफरेंट फ्रॉम स्लेवरी ठीक है मतलब बहुत कम ही अंतर रहेगा स्लेव एक ऐसा होगा कि उसको तो आप सांकलों से बांध के रख सकते हैं जंजीरों से बांध के रख सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमर बिहेवियर हो गया उसके साथ यहाँ पर वो ना हो के काम के मामले में उस स्लेव जैसे ही थे ठीक है मैक्सिमम उनके साथ जो है वो उनका यूटिलाइजेशन किया जाएगा है ना ताकि वो जो भी सेटअप्स हैं उन सेटअप्स पे काम करते रहे बड़े पैमाने पर धीरे धीरे जो नेटिव्स हैं इन कॉन्फ्लिक्स की वजह से इन काम की हार्श कंडीशनस की वजह से या तो यहाँ से वो माइग्रेट कर गए या फिर उन धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती चली जाएगी जैसा कि हमने अमेरिका में भी देखा यही सिचुएशन तो बड़े पैमाने पर चाइनीज़ पीपल का माइग्रेशन होगा और ये लोग बड़े पैमाने पर सस्ते लेबर उपलब्ध कराएंगे आपके ऑस्ट्रेलिया में क्लियर है तो सस्ते मजदूर मिलने शुरू हो गए यही सिचुएशन कैलिफोर्निया में भी थी क्योंकि उस समय एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत बड़े लेवल पर थी अभी चाइना की पूरी स्टोरी आप पढ़ने वाले हो कैसे कैसे वहाँ पर चेंजेस हुए अगला जो हमारा चैप्टर है पूरा चाइना जापान और इन्हीं की स्टोरी को कवर करने वाला है तो उसमें हम समझेंगे कि कैसे वहाँ पर सिचुएशन हुई क्लियर है चलो अब जैसे बड़े पैमाने पर चाइनीज का इमिग्रेशन शुरू होगा ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए क्योंकि ये सस्ते लेबर उपलब्ध करा रहे थे वैसे वैसे ये जो आपकी गवर्नमेंट है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है इसको टेंशन होनी शुरू हो जाएगी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों का टेंशन होनी शुरू हो जाएगी ध्यान रखिएगा क्लियर है ये बड़े पैमाने पर चिंता होनी शुरू हो जाएगी है ना इसलिए अब चाइना से जो मजदूरों का इमिग्रेशन हो रहा है उसको बैन करने के प्रयास शुरू हो जाएंगे क्लियर है और 1974 के आसपास आप देखोगे कि बाकायदा लॉ है ना क्योंकि आसपास ये ये एक फियर एक इनसिक्योरिटी आनी शुरू हो गई इनके दिमाग में कि ये जो लोग हैं ये जो एशिया से आने वाले लोग हैं है ना साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया से आने वाले लोग हैं ये धीरे धीरे अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया में बड़े, बड़े पैमाने पर माइग्रेट करके तो आ जाएंगे क्लियर है लेकिन बाद में फिर हमारे लिए थ्रेड बनेंगे ना क्योंकि ये बड़े पैमाने पर जब रहेंगे है ना तो हमारे जो रिसोर्सेस हैं इनको भी हमें शेयर करना पड़ेगा और फिर एक लंबे समय में वही सिचुएशन होगी जैसा हमने किया है कि हम यहां पर एक सेटलर की तरह आकर रह गए देखो क्या होता है अब खुद भी चोर थे तो उनको वही चीज़ जो है वो दिमाग में आ रही थी कि भाई हम जैसे आए और यहाँ पर बसे हैं किस तरीके से तो बाहर के लोग भी आएंगे बसेंगे लंबे समय में एक लॉन्ग टर्म के ड्यूरेशन में वही सिचुएशन क्रिएट होगी इनके साथ में इसलिए इन नॉन वाइट लोगों को अश्वेत लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इनसे बाहर रखा जाए तो गवर्नमेंट बाकायदा नियम बनाएगी कानून बनाएगी पॉलिसीज बनाएगी और इन पॉलिसीज के थ्रू इन लोगों को बाहर रखा जाएगा और ये ऑस्ट्रेलिया का कुल मिलाकर पूरा डेवलपमेंट होगा ठीक है तो अभी आपने ऑस्ट्रेलिया में समझ लिया कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई कैप्टन कुक ने कैसे ऑस्ट्रेलिया का कॉलोनाइजेशन हुआ और फिर कैसे ऑस्ट्रेलिया में धीरे धीरे गोल्ड रश जब मिल हो गया कॉम आके बसे और फिर कैसे उन्होंने यहां पे गोल्ड रश शुरू किया या गोल्ड मिला तो गोल्ड रश शुरू हुआ और फिर किस तरीके से धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया जो है आज के मॉडर्न सिचुएशन में पहुंचेगा तो होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा मैंने कोशिश करी कि बाकायदा आपको लाइन बाय लाइन हर चीज़ समझा दूं ऐसे ही सारे वीडियोस आपके इस चैप्टर के और बाकी चैप्टर्स के वेबसाइट पर अपलोडेड हैं तो आपको इजी एक्सेस करनी है मैक्राम डॉट कॉम पर जाएं और उसको सर्च करें आपको इस तरीके से सारे क्लास वाइज जो वीडियोज हैं वो मिल जाएंगे पर्टिकुलर क्लास का आपको वीडियो चाहिए जैसे हम क्लास इलेवेंथ की बात कर रहे हैं क्लास इलेवंथ को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से फैकल्टी मेंबर्स की बाकायदा लिस्ट आ जाएगी और जिस भी फैकल्टी मेंबर का वीडियो या जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो आपको देखना होगा उस सब्जेक्ट को आप क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो जैसे हम बात कर रहे हैं क्लास इलेवंथ हिस्ट्री की तो क्लास इलेवंथ को आप जब क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको एक विंडो दिखेगा जिसमें आप देख रहे हो नीचे हर चैप्टर का वीडियो जो है वो आपको दिख जाएगा हर चैप्टर चा, वाइज जो वीडियोस अपन ने बनाए हैं ये सारे वीडियोज यहाँ पर बाकायदा सेक्शन वाइज थीम वाइज टॉपिक वाइज सब टॉपिक वाइज अरेंज है जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक सेक्शन थीम या सब टॉपिक को आपको देखना है उसको आप जहाँ एक्सप्लोर करेंगे ढूंढेंगे उसको आप क्लिक करेंगे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगा तो ये जो है वो हमारा एक एफर्ट है आपके लिए ताकि आपके जो अननेसेसरी एफर्ट्स हो रहे हैं या वहाँ जो आपके टाइम को किल कर रहे हैं वो सेव हों और आपकी प्रोडक्टिविटी को हम इन्हांस कर रहे हैं करते जाएं और बल्कि और इसके लिए आपको बस इतना काम करना है कि यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स लाइक द वीडियो जितना ज्यादा ज्यादा आप लाइक कर सकें शेयर द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड एज आई सेड स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स थैंक यू